झरने का बिल्कुल ठंडा पानी है दोस्तों, और आए हुए जो पर्यटक हैं इसी प्रकार का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। इस समय हूं दोस्तों मैं मसूरी में, और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम का एहसास हो रहा है दोस्तों। और जा रहा हूं दोस्तों भट्टा फॉल, एक बहुत ही नया टूरिस्ट स्पॉट जनरेट किया गया है दोस्तों देहरादून गवर्नमेंट द्वारा, उसी को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। तो नीचे चलना होगा दोस्तों अभी, और यहाँ से एक बार मैं आपको चारों तरफ का सुंदर दृश्य दिखा देता हूँ। सुंदर हरी भरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यह मसूरी का दृश्य है दोस्तों। मसूरी जो कि देहरादून कह रहा हूँ, देहरादून के पास में पड़ता है दोस्तों, देहरादून से बिल्कुल सटा हुआ है, और उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों एक फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है भट्टा वाटरफॉल, उसी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। जी हां दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे एक वाटरफॉल है दोस्तों, पता नहीं दोस्तों वही है भट्टा वाटरफॉल, चलिए देखते हैं, शायद वही है भट्टा वाटरफॉल। तो चलिए नीचे चलते हैं दोस्तों पहले। फाइनली दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। भट्टा वाटरफॉल का सुंदर दृश्य आप देखें, और यहाँ पे दुकानें भी हैं दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। और गूगल पे देखा था दोस्तों, तो मुझे लगा कि ये देहरादून के अंदर है, लेकिन दोस्तों देहरादून से लगभग यह 10 किलोमीटर आगे था दोस्तों, 10 किलोमीटर ऊपर था पहाड़ी पर, यानी कि ये लगभग मसूरी में कह सकते हैं कि ये जो वाटरफॉल है ये मसूरी में है दोस्तों। तो चलिए कंप्लीट एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें दोस्तों किस प्रकार लोग इसमें कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं झरने के पानी में। झरने का बिल्कुल ठंडा पानी है दोस्तों, और आए हुए जो पर्यटक हैं इसी प्रकार का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और गर्मी भी अच्छी खासी है, मानसून का टाइम है लेकिन गर्मी भी अच्छी खासी है दोस्तों। और ऐसे ठंडे पानी के झरनों में नहाना दोस्तों, वो भी मसूरी में दोस्तों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अभी दोस्तों सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर से इस वाटरफॉल का व्यू दिखाते हैं। इसका नाम है दोस्तों भट्टा वाटरफॉल। अभी दोस्तों मानसून का टाइम चल रहा है, भारी बरसात हो रही है उत्तराखंड के अंदर, और आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल 2013 वाला जो सीन था कुछ उसी टाइप का सीन इस टाइम चल रहा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों ये वाटरफॉल का पानी देखें कितना साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। दोस्तों मानसून का टाइम है, लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों में, और लैंडस्लाइड भी हो रही है दोस्तों, और उसी की वजह से ढेर सारे टूरिस्ट आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, कुछ एक आए हुए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस, ये जितने भी वाटरफॉल्स हैं उत्तराखंड के अंतर्गत दोस्तों, चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे वो मसूरी में हो, चाहे वो दोस्तों पंचप्रयाग साइड हों, ये फुल होते हैं दोस्तों, यहाँ खूब भीड़ होती है। लेकिन मानसून आ चुका है दोस्तों उत्तराखंड में, जिसकी वजह से पर्यटक श्रद्धालु आना बंद कर दिए हैं दोस्तों उत्तराखंड में। तो दोस्तों बिल्कुल नया नया यह अभी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, जिसका नाम है भट्टा वाटरफॉल, जिसे भट्टा फॉल के नाम से भी जनरली जाना जाता है। तो यहाँ पास में दोस्तों 2-3 वाटरफॉल्स हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक तो ये भट्टा वाटरफॉल है, और फिर इसके अलावा दोस्तों एक है झाड़ी पानी वाटरफॉल, और फिर एक है दोस्तों शिखर वाटरफॉल। तो ये तीन है जो कि पास में ही है दोस्तों, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेडियस में है। दोस्तों पानी का रंग देखें,
बिल्कुल हरे रंग का कह सकते हैं या नीले रंग का कह सकते हैं दोस्तों, हरा और नीला रंग का जो मिक्सचर होता है उस टाइप का पानी का रंग है दोस्तों। और बिल्कुल साफ पानी है और इतना ठंडा पानी है ना कि चिल्ड वाटर जिसे कह सकते हैं दोस्तों, एकदम चिल्ड है दोस्तों। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तब आपको एहसास होगा। और मसूरी के अंदर दोस्तों, मसूरी जो कि एक हिल स्टेशन कहा जाता है, हिल स्टेशन का मतलब ऐसा स्थान जो कि हमेशा ठंडा रहे दोस्तों, सदैव ठंडा रहे। और मसूरी के अंतर्गत दोस्तों अगर कोई वाटरफॉल होगा तो सोच सकते हैं आप कितना ठंडा होगा, कितना चिल्ड होगा। दोस्तों भट्टा वाटरफॉल का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से आप देख सकते हैं। और नीचे देखें झरने के पानी में बिल्कुल कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मेज लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप चाय और मैगी का आनंद ले सकते हैं। सामने देख सकते हैं दोस्तों एक दुकान भी है और ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें ये जो बेंच लगी हुई है दोस्तों, टेबल बेंच, ये बिल्कुल वाटरफॉल के पानी में है दोस्तों। और इसके ठंडे ठंडे पानी में आप पैर रख करके दोस्तों मैगी और चाय का आनंद ले सकते हैं। ज़बरदस्त वाटरफॉल है दोस्तों। ऋषिकेश में भी ढेर सारे वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर किया हूँ दोस्तों। और इसके अलावा पंचप्रयाग और बद्रीनाथ, फिर इसके बाद केदारनाथ, और इसके अलावा दोस्तों बद्रीनाथ के आगे 4 किलोमीटर आगे माना गाँव को एक्सप्लोर किया। और वहाँ क्या, वो माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर वसुधरा वाटरफॉल है, उसको भी एक्सप्लोर किया हूँ दोस्तों। और अभी देहरादून और मसूरी के कुछ वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों भट्टा वाटरफॉल का। और नीचे तक हम जा सकते हैं, नीचे चलते हैं दोस्तों। तो अभी नीचे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि नीचे जो है ना ये वाटरफॉल और भी बेहद खूबसूरत है दोस्तों। बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी हाल ही में देहरादून को एक्सप्लोर किया हूँ, देहरादून के सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर किया हूँ। देहरादून के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो है दोस्तों रॉबर्ट्स केव, और रॉबर्ट्स केव के अलावा देहरादून का चिड़ियाघर है दोस्तों जिसको मैंने एक्सप्लोर किया है, जिसे मालसी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों सहस्त्रधारा, शिखर फॉल, और साथ ही साथ दोस्तों लच्छीवाला नेचर पार्क, ये देखें ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है भट्टा वाटरफॉल का। और भी नीचे चलेंगे दोस्तों अभी हम। ये देखें दोस्तों यहाँ पर भी सेम वही सीन है, जो टेबल और मेज है दोस्तों बिल्कुल ठंडे झरने के पानी के बीच में रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ना फव्वारा, वाटरफॉल का फव्वारा जो है दोस्तों यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल ठंडा एहसास हो रहा है दोस्तों, ठंड का एहसास, अमेजिंग अमेजिंग है दोस्तों। ये देखें दोस्तों यहाँ पर चाय और मैगी का आनंद कुछ और ही है दोस्तों। और जो भी पर्यटक आते हैं इस स्थान पर ज़रूर बैठते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी स्थान पर बैठ करके वो चाय और मैगी का आनंद लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और पैसा वसूल स्थान है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और पैसा वसूल पिकनिक स्पॉट है, पर्यटक स्थल है। बहुत ही शानदार जो है दोस्तों यह वाटरफॉल है जिसका नाम है भट्टा वाटरफॉल, जो कि मसूरी में पड़ता है दोस्तों। अभी चलिए दोस्तों और नीचे चलते हैं। दोस्तों एक और ज़बरदस्त व्यू पॉइंट पे आ चुका हूँ मैं भट्टा वाटरफॉल के, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है दोस्तों।
दोस्तों काफ़ी नीचे तक हम जा सकते हैं, तो नीचे तक चलेंगे जहाँ तक संभव है दोस्तों, वहाँ तक हम चलेंगे इस भट्टा वाटरफॉल के। हर उस एंगल को दिखाएंगे, हर उस शानदार व्यू पॉइंट को दिखाएंगे दोस्तों जहाँ तक संभव होगा। और ये देख सकते हैं इस तरह से दुकानें हैं दोस्तों, चाय मैगी कोल्ड ड्रिंक की, जहाँ पर आप आ करके और यहाँ बैठ करके ये देखें, इस स्थान पर बैठ करके दोस्तों आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी और आगे चलते हैं और यहाँ से एक बार आप शानदार व्यू देखें। और हम जो है दोस्तों बिल्कुल ऊपर थे और वहाँ से आ चुके हैं काफ़ी नीचे। तो दोस्तों अब वाटरफॉल जो है यहीं तक जा सकते हैं, इसके नीचे रास्ता नहीं है। बाकी इस साइड एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए बना हुआ है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, टिकट लगता है 50 रुपये। ये आप देख भी सकते हैं इधर एडवेंचर एक्टिविटी को आप ट्राई कर सकते हैं जाकर के आप, ये देखें। और बाकी वाटरफॉल के लिए यहीं तक था दोस्तों। तो चले जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लोर किया भट्टा वाटरफॉल, जो कि मसूरी का एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों।